बनारस है ये बनारस बना हुआ रस है। सूर्याय नमः, ओम ह्रीं भास्कराय नमः, ओम रम रव्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रूम सूर्याय नमः, ओम रम मित्राय नमः, ओम रम रव्याय नमः, ओम रूम सूर्याय नमः, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो प्रचोदयात्। ओम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानु प्रचोदयात्। थोड़ी देर हो गई। थोड़ी देर हो गई, 6:15 बज चुके हैं, अभी तक चाय नहीं मिली हमें। तब तक नहा लेती ना। योग के बाद चाय और चाय के बाद नहाना, इस अनुशासन को जिंदगी में हमने कभी तोड़ा नहीं है, जानती हो तुम, नियम है हमारा। तो हम भी सूरज को जल चढ़ाने से पहले रसोई में पैर नहीं रखते, नियम है हमारा भी। अच्छा, नियम की इतने ही पक्की हो तो जल पहले क्यों नहीं चढ़ाती, इतनी देर क्यों हो जाती है तुम्हें? आपके चाय के चक्कर में सूरज भगवान को जल्दी बुला भेजे, इतना तप नहीं किया हमने। वैसे भी जाड़ों का दिन है, सूरज भगवान जी देर सवेर आते हैं, आपकी तरह नहीं, गर्मी सर्दी बरसात टाइम टेबल ही नहीं बदलता। अच्छा, तो अभी इस बात से भी तकलीफ होती है तुम्हें? अरे हम अपने लिए नहीं आपके लिए कह रहे हैं, हम कहते जाड़ों का मौसम है, एक आध घंटा और रजाई ओढ़ के पड़े रहे तो दुनिया बदल जाएगी क्या? नहीं ना, आराम करिए, आपको आराम की जरूरत है, जीवन भर हड्डियां गलाते रहेंगे क्या? हड्डियां तो तुम्हारी गल गई हैं कुछ, तभी तो कभी घुटनों में दर्द, कभी जोड़ों में दर्द, हमें देखो एकदम फिट हैं। आज भी एक सांस में शीर्षासन कर लेते हैं, तुम कर सकती हो। हम पंडित जी जीवन भर सर के बल खड़े होकर आपकी सेवा की है, शीर्षासन से कम है। बातें बनाना भी खूब आती है, हम अच्छी तरह जानते हैं कितनी फिक्र करती हो तुम हमारी, और अब तो वैसे भी तुम्हारे बच्चे आने वाले हैं, उन्हीं में रम जाओगी, हमारी तरफ तो देखोगी भी नहीं। हमारे बच्चे? आपके नहीं बच्चे, तुम्हारे ही हैं, सबके सब नालायक स्वार्थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं भी पता नहीं क्यों अपना सर फोड़ रहा हूं, तुमको तो फर्क पड़ता नहीं कुछ। हम जा रहे हैं, अपनी चाय खुद बना लेंगे। गंगा मैया की कसम, हमारे होते हुए खुद चाय बनाएंगे पंडित जी, पाप चढ़वाओगे का? ज्यादा दूध और जरा सी चाय की पत्ती, तुम्हारी वाली चाय। अरे अरे ध्यान से, गरम है, कलेजा ना फूंक लीजिएगा। कलेजा तो उसी दिन फूंक गया था हमारा जिस दिन तुमसे शादी हुई थी, जिंदगी बर्बाद कर दी हमारी, अब हटो रास्ता दो। सीढ़ी संभालिए। तुम्हें तो सीढ़ी उतरने में भी घंटों लगते हैं। अरे दिन भर तख्त पे बैठ के पंचायत करोगी तो घुटनों में तो दर्द होगा ही, और कितनी बार हमने कहा है कि हमारे साथ बैठकर योग करो, लेकिन नहीं, अब भुगतो। पानी तो पतीले में वहां चढ़ाए थे, काहे पंडित जी यहाँ उबाल खा रहे हैं, वो भी बिना चाय पत्ती के। अपने पंडित जी को अच्छे से जानती है ना बेबी, कलेश काटने की आदत है ना, सवेरे सवेरे चिक 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 चिक। अब जब तक 84 घाट के वो चक्कर ना काटे ना, शांति कहाँ होने। एक बात बताएं पंडिताएं, 72 सावन पूरे हो गए पंडित जी के, फिर भी 24 घंटा उछल कूद मचाए रहते हैं, अब तो शरीर को थोड़ा आराम देना चाहिए ना। दिक्कत शरीर की नहीं, खलल दिमाग में है, अभी तो जी हलकान किए रहते हैं। एक बात बताएं बेबी, उम्र तो उनके सफेद बालों में झलकती है,
वरना बचपना छूटा कहाँ है पंडित जी का। पंडित जी क्या ढूंढ रहे हैं, इतनी उठापटक मचा रखी है। देवी भी ना पता नहीं रोज रोज हमारी चीजें कहाँ छुपा के रखती है। हम इतना संभाल के रखते हैं फिर भी। ये दीपा के पीछे देखिए, नहीं है। आलोक के बगल में, अरे कह रहा हूं ना नहीं है। और ये अपने बेटे बेटी की तस्वीरें कहीं दीवार पे लगा के रखो। हमारी टेबल पे क्या कर रही है ये? नहीं, उनको मत छेड़िए। आप बताइए ना, आप बताइए, मैं ढूंढ के देती हूँ। क्या ढूंढ रहे हैं आप? अपनी कलम ढूंढ रहे हैं, अपना सर नहीं ढूंढ रहे। हंस लो, बहुत मजा आता है ना तुम्हें मस्करी करके। तुम्हें छुपाई होगी, हंसो, हंसती रहो। जीप में देखिए, यहाँ कैसे आ गई? कलम से पूछिए। जरूर तुम्हारी गलती है, हमेशा पता नहीं कहां की चीज कहां रख देती हो। हद हो गई। ओहो, तुम्हारी चाय के चक्कर में इतनी देर हो गई। 7:30 बजे घाट पहुंचना था, वीरेन कहीं से पहले ना पहुंच जाए। ऐसी भी क्या होड़ लगी रहती है आप दोनों दोस्तों में? ये हम दोनों के बीच का मामला है, तुम्हें क्यों जलन हो रही है? हम क्यों जले? आपके खटरा गए, आप समझिए। इस वक्त ये करेंगे, इस वक्त ये करेंगे, इस वक्त ये करेंगे। घड़ी की सुई की तरह 24 घंटे आप नाचते रहते, हमें भी नचाते। कुसुम, इसे पंक्चुअलिटी कहते हैं, पंक्चुअलिटी। पूरा बनारस जानता है कि जगन्नाथ मिश्रा समय के कितने पाबंद हैं। लोग अपनी घड़ी की सुइयां मिलाते हैं हमें देखकर। कितनी धाक है हमारी। तुम्हारे दीपा और आलोक आएंगे और हमें देख के कहेंगे कि अरे पापा तो बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। अच्छा, तो ये कवायद इसलिए हो रही थी कि उन पर रौब झाड़े। हाँ बिना पंडित जी, तभी तो दीपा हमेशा कुनमुनाती थी। कुनमुनाएगी तो है ही, तुमने बिगाड़ जो रखा है दोनों। हमने बिगाड़ रखा। हाँ, लेट लतीफ कहीं के। लेट लतीफ, आज तो लेट हो गया ना, मैं तो घाट घूम भी आया। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। How be it? देखा कितनी कुड़कुड़ करता है। मैं तो कहता हूं अब भी टाइम है, सुधार लो इसे।
बूढ़ा तोता राम राम सीखेगा भाई साहब। इनकी अम्मा ने सुधार नहीं सके, बच्चे सुधार नहीं सके, हम तो खैर गिनती में नहीं आते। अब तो कोई चमत्कार ही हो तो। चमत्कार है हम? नहीं बाबू, चमत्कार हमारे खानदान वाले हैं। लड़की की मर्जी हो ना हो, किसी को तो फर्क ही नहीं पड़ता यहाँ पे। बस उसको पकड़ो और किसी के साथ भी उसके फेरे डलवा दो, सिंपल। रिश्तेदार और बुलवा दो लड़की की बर्बादी देखने के लिए। और पता है, अगर ये भी कम पड़े ना तो कुछ नहीं, बैंड बाजा बजवा दो और तुम्हारा तमाशा पूरा हो जाएगा। बाबू हम बता रहे हैं, हमने मम्मी पापा को समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन हमने उन्हें तुम्हारे बारे में क्या बताया? टेररिस्ट अटैक हो गया है हमारे ऊपर। पूरे गोरखपुर को पता है ना कि महेंद्र सिंह सीमेंट में कितनी बोरी रेती मिलवाते हैं। कभी कोई मकान रह जाता है, कभी कोई पुलिया रह जाता है, तब इनकी इज्जत बिल्कुल नहीं गिरती। लेकिन उनकी खुद की बेटी लव मैरिज का नाम भी क्या ले ले, उनकी मूछों को खतरा हो जाता है। बाबू तुम समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? हमें नहीं लगता तुम कुछ भी समझ रहे हो बाबू। पापा हमारी किसी चपड़ गंजू से सगाई करवा रहे हैं, और अगर अब तुम नहीं आए ना तो हम यही गले में रस्सी डाल के झूल जाएंगे। उर्वी दीदी, क्या हुआ? दीदी खबर बुरी है, आज सगाई होगी और अगले हफ्ते शादी भी हो जाएगी। क्या? ताऊ जी किसी की नहीं सुन रहे, कह रहे हैं लड़की इससे पहले मुंह पे कालिक पुतवाए डोली उठवा दो। डोली उठवा दो? हमारी अर्थी उठवा देना, डोली की उठा रहे हैं हमारी? हाँ। भाप है कि दुश्मन हमारे? Idiot, stupid, बाबू, या हफ्ते भर में हमारी शादी हो जाएगी। कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। हमें भी समझ नहीं आ रहा है दीदी अब तो। दीदी लेकिन तुम करने क्या जा रही हो? वही श्रुति जो शायद हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते। दीदी तुम किसी बाबू के चक्कर में इतना बड़ा कदम उठाने जा रही हो जो तुम्हें कब से टाल रहा है? दीदी ऐसा क्या देख लिया तुमने उसमें जो इतनी दीवानी होती जा रही हो उसकी? प्यार में लॉजिक कौन ढूंढता है यार, खराबी क्या है उसमें? हैंडसम है, पढ़ा लिखा है, इंजीनियरिंग भी किया है उसने। और तुम्हें पता है जब वो यूनिवर्सिटी पे बाइक पे आता था ना, इतना स्टाइलिश था, उसको देख के हमारी तो सांस ऊपर नीचे हो जाती थी, अभी भी होती है। एक बात है कि वो हमसे बहुत प्यार करता है श्रुति, जैसे हम हैं ना वैसा ही चाहता है वो हमें, बिना किसी शर्त के। हमारे पापा मम्मी की तरह नहीं है वो, जिनका प्यार भी कंडीशनल है। अगर हमने किसी ठाकुर लड़के के साथ प्यार किया होता तो वो ठीक था, ब्राह्मण लड़के से कर लिया तो उनका प्यार भी खत्म हो गया। हिपोक्रेसी है यार ये। तुम जिद पर आ जाती हो तो तुम किसी की नहीं सुनती हो, करती पहले और सोचती बाद में हो। तुम हमें मत रोको, हम वैसी लड़की नहीं है जो किसी एक के साथ प्यार करे और किसी और के साथ घर बसा ले। लॉयल्टी कोई चीज होती है या नहीं? प्यारी मम्मी देखो, हमने तुम्हें बहुत समझाया कि हम बाबू को चाहते हैं, लेकिन तुम्हें और पापा को समझ ही नहीं आया, बस एक कास्ट का रोना लिए बैठे रहे। अरे प्यार का कास्ट देख के किया जाता है? चाहते तो हम थे कि धूमधाम से शादी हो हमारी, तुम खुद आरती की थाली लेकर दामाद का स्वागत करो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया। तो अब हम जा रहे हैं मम्मी, लौटेंगे तो अपने बाबू के साथ, फिर तुम्हारी मर्जी, बेटी दामाद को गले लगा लो या मुँह पे दरवाजा बंद कर दो। इस पापा से कहना हमें माफ करते, हम अच्छी बेटी नहीं बन पाए, लेकिन क्या करें मम्मी, हमारी भी मजबूरी है। हाँ एक बात और, हम अपनी शादी का जोड़ा और गहने साथ लिए जा रहे हैं। अब भाग के मंदिर में शादी करेंगे तो बेचारा बाबू लास्ट मिनट कहाँ से जुगाड़ लगाएगा? और बिना गहने कपड़ों के हमारी सेल्फी भी तो कितनी बुरी आएगी ना, शादी के बाद ये गहने भी वापस दे देंगे आपको। ए बच्चों, पागल हो गए हो बेटा? ये क्या बेहूदगी है बेटा, तुम्हें क्या लगता है क्रिकेट खेलने का मैदान है? चलो भाग यहाँ से। आजकल के बच्चों को बड़ों की बुजुर्गों की किसी की कोई कदर नहीं, बस अपनी मस्ती से मतलब है। अरे छोड़ो पंडित जी, काहे अपना ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे करते हो, जरा ठंडाए जाओ, लड़कन बच्चन है, काहे सबसे उलझे पड़े रहते हो? हाँ भैया हम तो ऐसे ही हैं, हमेशा सबसे उलझते रहते हैं, तुम ही सही हो। तो भी सुखी हो जग्गू, तुम्हारे ये फितूर उलझने भाभी से दिन भर की चिक चिक चिक, कम से कम जिंदा तो रहते हो। और एक हमें देखो, जब से अनन्या छोड़ के गई है एकदम अकेले रह गए हैं। ये
अगेन। यार बच्चों के साथ तो रहते हो तुम, फिर भी ये, फिर भी कहने को तो बच्चों के साथ रहते हैं पर दिन भर बात नहीं होती। इस बूढ़े के लिए किसी के पास टाइम नहीं है जग्गू। घर में हूं फिर भी नहीं हूं। तुम तो लक्की हो जग्गू, लायक बच्चे हैं तुम्हारे। भाभी कितनी खुश थी, कह रही थी इस बार होली में सब आ रहे हैं। अरे अब की बार कुछ दिन रुकेंगे ना, कि पिछली बार की तरह एक हफ्ते में चले जाएंगे। देखते हैं, उनकी अम्मा तो यही उम्मीद लगाए बैठी है। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है जग्गू। नमस्ते आंटी जी। बाबू है क्या? तुम कौन? हम उसके फ्रेंड हैं आंटी जी। हमारा बाबू किसी लड़की से दोस्ती नहीं करता। आंटी जी उसने सर आपको बताया नहीं होगा, हम सच कह रहे हैं, हम उसके फ्रेंड ही हैं। वो नहीं है घर पे, बाद में आना। आंटी जी एक बार बेबी, कहाँ हो बेबी? अरे कहाँ मर, क्या हुआ?
तुम ऐसे क्यों बैठी हुई हो? घुटनों का दर्द फिर से उभर आया? ना ना ऐसा कुछ है, बैठिए ना। अच्छा ये आ जाओ भाई, ये देखो क्या लेके आए हम। गंगा मैया की कसम, संडास भैया सर पे उठा के ले आए। अरे संडास नहीं है, कमोड कहते हैं इसको, कमोड। तुम्हारे अमेरिकन बेटे के लिए लाए हैं। पिछली बार बहू को थोड़ी तकलीफ हो रही थी तो हमने सोचा कि अब तो खुश हो ना। अब तो तुम्हारी जिद भी मान ली हमने। बीरेन भी कह रहा था कि भाई तुम्हारे बच्चे कम से कम तुम्हें पूछते तो हैं, तो हमने भी सोचा कि और ये बोल रहे हैं कि 2 ही दिन में फिट हो जाएगा। पंडित जी अब का फायदा, बच्चे तो आ ही नहीं रहे। बक 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 करती है, जितना आ जाए उतना कर, लेके जाने जा। चलो भैया दिखाते हैं। फोन आया था लोग का, कह रहा था कुछ जरूरी काम है इसलिए नहीं आ पा रहा, दुखी था बेचारा। कह रहा था अम्मा तुम्हारे हाथ का अचार खाना है मुझे। उसको बहुत पसंद है हाथ का अचार। कह रहा था और तो और वरुण अमेरिका में रहता है, पिज्जा बगर छोड़ के दादी के हाथ का लड्डू खाना चाहते हो तो मेरे हाथ का लड्डू खाना चाहता। अब की बार आएगा कह रहा था, लंबा समय के लिए आएगा, सब बोला था मुझे। और दीपा? हाँ दीपा का भी तो फोन आया था, बताया ना अभी, दीपा का भी फोन आया था। कह रही थी मम्मा हमने सारा पैक कर लिया सूटकेस में, आने को बहुत मन कर रहा है लेकिन लेकिन मतलब जब भाई आएगा तभी आएगी ना, ऐसा कह रही थी। अकेले आने से मतलब अच्छा, सब सब मिलके रहेंगे, सब खुश होंगे, सब साथ रहेंगे। हमने भी कहा ठीक है भाई साथ रहेंगे, अच्छा रहेगा है ना। कुसुम कब तक बहाने बनाती रहोगी, कब तक उम्मीद जगाए बैठी रहोगी? तुम्हें दिखता नहीं है कि तुम्हारे बच्चों के पास तुम्हारे लिए अब कोई टाइम नहीं है? छोड़ दो ये सब कुसुम, खींच लो अपनी ममता का आंचल, तुम्हारे बच्चों की दुनिया अब उसमें नहीं समाती। तुम्हारे बच्चों को अब अपनी अम्मा की लोरी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए उनका दुलार और नहीं चाहिए उनके हाथ के बने हुए लड्डू, और नहीं चाहिए अम्मा के हाथ का बना हुआ अचार। तब तक थाली सजाए बैठी रहोगी तुम, क्यों नहीं छोड़ देती इस मोह को? तोड़ दो ये धागे, तोड़ दो जैसे जैसे हमने तोड़ दिए हैं।
चाय पिला रहे बेटा। फोन ही नहीं उठा रहा यार डॉली, वो हम कितना ट्राई कर चुके हैं। एक मिनट, बाबू का फोन आ रहा है। हेलो बाबू, कहाँ हो तुम? हमारे घर गई थी तुम, हमसे बिना पूछे। तुम जानती हो मम्मी ने पूछ पूछ के कहाँ खा लिया हमारे यार। हाँ तो क्या करते हो, आप कहाँ जाते हो? हमने अपनी सगाई से भाग के आए ना तुम्हारे लिए। नहीं, हमने कहा था तुम्हें सगाई से भागने के लिए। तुम्हें कहा था रुको यार, इंतजार करो। हद करती हो यार तुम। मत करते हो बाबू, नहीं तुम हद करते हो। एक बार पूछा तुमने हम कैसे हैं, किस हाल में, तुम बस हम पे चलाए जा रहे हो यहाँ पे। पूर्वी सिंह यार तुम जानती हो हम तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकते। अच्छा तुम एक काम करो, तुम वापस अपने घर जाओ। हम समझाते हैं मम्मी पापा को। हम कोशिश कैसे वापस आए हम, हाँ कैसे वापस जाए बाबू, तुम्हें समझ आता है? हम चिट्ठी लिख के आए पूरे खानदान के मुंह पे गाली फोड़ के आए हम। अभी वापस जाएंगे ना तो पापा हमारी लाश पे छा देंगे। बाबू हमारी बात सुनो, अब हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा है, हमें आज ही मंदिर में शादी करनी होगी। तुम कैसे भी आ जाओ यहाँ पे। पागल हो गया यार तुम बुर्री। अरे मेरी जान है, ऐसे नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं हो सकता क्यों? क्योंकि हम बनारस में है ही नहीं, प्रयागराज आए हुए हैं हम। पापा के कोर्ट केस के चक्कर में फंसे हुए हैं यार पूर्वी, समझने की कोशिश करो हमें। फंसे हुए बाबू और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हमें समझाने की कोशिश मत करो बाबू, हम नहीं समझने वाले। तुम्हें आज के आज यहाँ पे आना होगा और हमें आज ही शादी करनी होगी, वरना गॉड प्रॉमिस हम यही जान दे देंगे अपनी। जान दे दोगी? दे दो जान। कब से धमकी दी होगी यार? जान दे देगी, जान दे देगी, दे के दिखाओ जान। धमकी लग रही है तुमको? बाबू एक बात सुन लो हमारी, हम भी ठाकुरों की बेटी है, हा? जो हम कहते हैं ना करके दिखाते हैं। हमें हिम्मत नहीं है, हा? हमें पूर्वी हम बता रहे हैं, बेवकूफी मत करना पूर्वी। ए कहाँ जा?